हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहां पर देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एसक्यूएल क्वेरी में ये क्वेरी मैंने लिखी है और इसकी मदद से हमने एक एम्प्लॉय टी नाम का टेबल बनाया है। अब इस टेबल के अंदर नेम ऑफ एम्प्लॉय को टेक्स्ट डेटा टाइप रखा है, एज को फ्लोट रखा है, सैलरी को करेंसी और फिर ये टेबल में कुछ एंट्रीज भी मैंने पास करवा दी है। आज के इस वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करना सीखेंगे SQL में, ठीक है। तो जो SQL व्यू है उसमें कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे यूज करेंगे, पहले इसको मैं सेव कर लेता हूं और इसे मैं सेव करता हूं एम्प्लॉई क्यू के नाम से सेव कर लेता हूं, क्यू से क्वेरी हो जाएगी। इन दोनों को सेव करके और यहां से क्लोज कर देते हैं, मतलब इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। इसको भी बंद कर देंगे ये जो टेबल है हमारी, ठीक है, और ये जो क्वेरी हमने बनाई इसको भी क्लोज कर देंगे। दोनों ही क्लोज हो गया। क्लोज करने के बाद करना क्या है, यहां पर आना एक और क्वेरी बनानी है। तो चलते हैं क्वेरी डिजाइन पर और यहां से इसको क्लोज कर देते हैं और फिर यहां पर हम क्वेरी बनाएंगे। तो यहां सेलेक्ट कीवर्ड पहले से लिखा हुआ आ रहा है, अगर ना लिखा हो तो लिख लीजिएगा। और जैसे मान लीजिए इसमें कुछ और भी एंट्रीज मैं पास करा लेता हूं, जैसे मान लीजिए इसमें एक नाम और जोड़ दिया मैंने, नाजिया लिख दिया और एज 34 दे दिया और यहां पर सैलरी है इनकी 50,000, ठीक है। तो यहां पर 50,000 दे दिया और फिर यहां पर आता हूं एक और नाम दे देता हूं, रमेश लिख देता हूं मैं यहां पे रमेश, और यहां पर 55 एज कर देता हूं और यहां पे सैलरी 50,000 कर देता हूं। यानी कुछ लोगों की सैलरी हमने इसमें 50,000 कर दी है, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये जो क्वेरी हम बना रहे हैं इसमें कंडीशन देनी है और टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय टी। तो यहां पे लिखिएगा एम्प्लॉय टी, इस तरीके से आपको लिख देना है एम्प्लॉय टी। और जैसे ही आप एम्प्लॉय टी लिखते हैं तो यहां पर आपको कंडीशन देनी होगी, ठीक है। एम्प्लॉय टी लिखते ही आपको क्या देना है, कंडीशन देनी है। तो यहां पर वेयर, वेयर की कंडीशन दीजिएगा, डब्ल्यू एच ई आर ई वेयर। तो जहां क्या हो वेयर, यहां पे हमने दे दिया वेयर, यहां पे मैं देता हूं सैलरी, सैलरी की बात कर रहे थे हम, तो सैलरी इज इक्वल टू 50,000। जिनकी सैलरी 50,000 है केवल उन्हीं के नाम हमें डिस्प्ले हो, यही हम चाहते हैं। तो ये हमने दे दिया। अब यहां से इसको रन करवाने की बारी है। तो यहां पे देख सकते हैं कि खाली 50,000 वाले का सैलरी ही हमारे पास आ रहा है, शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी क्वेरी भी आप बना सकते हैं, यहां पर जाकर के फिर वापस से जाइएगा क्वेरी डिजाइन पर और यहां से आपको इसको ऑफ कर देना और एसक्यूएल पे जाइएगा और यहां पर फिर आ गए। अब यहां पर क्या करना है, फिर वही चीज करनी है। देखिए ये क्वेरी जो हमने बनाई थी बिल्कुल वैसे ही आपको यहां पर भी बनानी है। ये देख लीजिए एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं, वो पुरानी क्वेरी जो हमने बनाई थी अभी, ठीक है। तो यहां पर एस्ट्रेक सिंबल आपको दे देना है, ठीक है। तो ये एस्ट्रेक लगा दिया और कहां से सेलेक्ट करेंगे, फ्रॉम एम्प्लॉय टी। तो ये लिखा एम्प्लॉय फिर लिखा टी, तो ये एम्प्लॉय टी से सेलेक्ट करेंगे और एम्प्लॉय टी से सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, यहां पर कंडीशन देनी है। तो कंडीशन के लिए वेयर लिखना पड़ेगा, वेयर। और देखिए यहां पर आते हैं, डबल क्लिक करते एक बार देखते हैं नेम ऑफ एम्प्लॉय। नेम ऑफ एम्प्लॉय में अगर किसी एम्प्लॉय का नाम रिपीट होता है, ठीक है, वेयर नेम ऑफ एम्प्लॉय, जैसे मान लीजिए यहां पर रमेश का नाम दो बार रिपीट हुआ। अब रमेश ये कोई अदर व्यक्ति है जिसका एज भी अलग है और यहाँ पे सैलरी 40,000 है इनकी, ठीक है। तो यहां पर रमेश नाम दो बार रिपीट किया हमने, तो रमेश नाम जहां दो बार आया हो केवल वही अगर हमें चाहिए हो तो क्या करेंगे, ये क्वेरी लगा देंगे। तो यहां पर आएंगे वेयर नेम ऑफ नेम, इस तरीके से देंगे नेम ऑफ एम्प्लॉई, इस तरीके से लिखिएगा एम्प्लॉई। आपको ये ध्यान देना है कि जो आपने लिखा है तो कैपिटल स्मॉल का भी ध्यान आपको रखना होगा। नेम ऑफ एम्प्लॉई इज इक्वल टू क्या करेंगे, नेम ऑफ एम्प्लॉय क्या हो, रमेश हो, तो यहाँ पे रमेश लिख दीजिए इस तरीके से, डबल कोट को क्लोज कीजिए और यहाँ पे टर्मिनेट कीजिएगा। जैसे ही टर्मिनेट करेंगे तो यहाँ पर जैसे डिजाइन पे जाएंगे तो ये रन पे क्लिक करेंगे तो देखिए रमेश की ही केवल सैलरी आपको दिखाई पड़ेगी, रमेश नाम ही आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से कंडीशन दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।